शुरुआत। अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर जब मीडिया ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछे तो वो भड़क गए। अशोक चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार बोल चुके हैं तो उसके बाद किसी को बोलने की जरूरत क्या है। साथ ही ये भी कह दिया कि जब आरजेडी वाले सवाल उठा रहे हैं तो आरजेडी वालों से ही जाकर पूछिए, क्योंकि वे फालतू बातें करते हैं और वो अपना विधायक ही बचा रहे हैं। बार-बार से नीतीश कुमार, आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को काहे चलाते हैं? क्या मतलब है सलाने का? राजद वाले से पूछिए काहे सवाल कर रहे हैं। इस पर जेडीयू का, नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात, वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं। और अब इधर उधर नहीं जाएंगे कि सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अब बिहार के बदहाली शिक्षा व्यवस्था पर उन्हें बोलना चाहिए। वो आप बेकार की बात करते हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे और आते जाते रहते हैं। बार हम कभी उन लोगों को साथ किए, फिर बात हटा दिया हमने। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, यहाँ लोगों को बेरोजगारी यहाँ के लोगों का दूर करें, यहाँ के लोगों को का शिक्षा समाप्त करें, लोगों का बदहाली खत्म करें, आमदनी बढ़ाने का उपाय करें। ये काम उसके बोलना चाहिए, तो इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे यही बोल के तो आते जाते रहते हैं। और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर की गई प्रशासनिक फेरबदल पर आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि बिहार में बीते 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सुई का कारखाना भले ना खोलो हो, लेकिन इन दिनों बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने 17-18 वर्षों में वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला, लेकिन इतना तो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर अपनी बुलंदियों पर है। चमचे बेलचे का चलता ही है, सागिर्द अपने हिसाब से स्थानांतरण पदस्थापन करते ही रहते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य के 12 जिलों के जिलाधिकारी समेत 43 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर करा दिया गया है। आईएएस मिथिलेश मिश्र को मध्याह्न भोजन से हटाकर लखीसराय का नया डीएम बना दिया गया। वहीं अरवल की डीएम वर्षा सिंह को नगर विकास एवं आवास विभाग पटना में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात कर दिया गया है। दरभंगा के नगर आयुक्त कुमार गौरव को अरवल का नया जिलाधिकारी बनाया गया, जबकि रोहतास के डीएम नवीन कुमार को अब राज्य परिवहन आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है। किशनगंज के डीएम तुषार सिंगला को बेगूसराय का डीएम बनाया गया है। वहीं पटना के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया को आरा का डीएम बना दिया गया है। नालंदा की बंदोबस्त पदाधिकारी उदिता सिंह को रोहतास का नया डीएम बनाया गया, जबकि बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा को समस्तीपुर का नया डीएम बनाया गया। बिहार में जिन जिलों के डीएम बदले गए हैं उनके नाम हैं भोजपुर, लखीसराय, सासाराम, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, अररिया और जमुई। इन सभी जिलों के डीएम अब बदले जा चुके हैं। बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना से जमुई जाने के दौरान वंदे भारत ट्रेन से लखीसराय स्टेशन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान अधिकारियों की तरफ से आरजेडी के ऊपर आरोप जो लगाए गए और आरजेडी ने जो आरोप लगाए उस पर पलटवार भी कर दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि तेजस्वी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बिना मुद्दा का मुद्दा कुछ बनाना चाहते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग तो होते रहता है, कोई मुद्दा है क्या? वो लोग थे सत्ता में तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते थे क्या? उनके पिताजी और वह जब उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, ट्रांसफर पोस्टिंग होता था कि नहीं? वो लोग तो ट्रांसफर पोस्टिंग वो बिजनेस बना लिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग उनका रोजगार और उद्योग था उनका, और आज का ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी तरीका से और प्रशासनिक दृष्टि से है। और बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर विपक्ष के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर विपक्ष का कोहराम हास्यास्पद है। अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर विपक्ष का कोहराम हास्यास्पद है। दरअसल बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
बिहार का विकास इसीलिए संभव हो पाया है कि जो अधिकारी जिस कार्य को बेहतर तरीके से करे, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जनता तक उनका लाभ पहुंचे, और इसीलिए समय समय पर ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है और ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां दलसिंह सराय में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मान समारोह और सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। स्थानीय सांसद ने उज्जारपुर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान नित्यानंद राय विरोधियों को लेकर काफी आक्रामक नजर आए। नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार के चुनाव में काफी कंफ्यूजन क्रिएट किए गए। सांसद ने विपक्ष पर चुनाव में पैसों के इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नित्यानंद राय की मौजूदगी में दूसरी पार्टी के कई सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। जीत और 2025 के विधानसभा की जीत की आज मजबूत नींव भी डाली जा रही है। यह चुनाव वास्तव में बहुत कठिन था, नहीं इतना न रावण हिरावण सकनी अकनी मकनी चटनी आ गया। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आए, बोले कि हम अपना जितना काम नहीं किए हैं उजियारपुर में उतना काम हो गया है। और बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि सर्वे के दौरान लोगों को जिस भी तरह की परेशानी सामने आएगी, विभाग उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेगा। वंशावली से लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों के बारे में राजस्व भूमि सुधार विभाग उपलब्ध सुविधाओं के बारे में मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की दुविधा में ना पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। विभाग इन भ्रांतियों को दूर करने में लगा है और खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं और उसका बखूबी निराकरण भी कर रहे हैं। सर, एक मामला आया है कि जो जमीन का जो सर्वे चल रहा है उसमें वंशावली बनाने को लेकर है कि लोग परेशान हैं कि कार्यालय जाना पड़ेगा या फिर किसी से सत्यापित करने का, ये खुद भी बनाया जा सकता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं मंत्री होने के नाते और मेरे जितने सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, कल भी टीवी चैनल पे लाइव जुड़े थे हमारे सेक्रेटरी, तो इस तरह करके एक एक कन्फ्यूजन को, अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में तो उसको दूर किया जा रहा है। और वंशावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले वंशावली बना लें और वंशावली बना करके उसका जो राजस्व विभाग का तरीका है उसको वहाँ पर वो सपोर्ट कर दें। किसी भी कागज़ पर आप खुद से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको ना कि वंशावली का एक बार राजस्व कार्यालय जो है हमारा, ये देख लेगा कि वो सही वंशावली बनाकर दिया है कि नहीं। उसके लिए नियम है कि उसको ऑनलाइन देने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि वंशावली में मेरा नाम छूट गया है, तभी कोई दिक्कत है। अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 12 तरह के जो डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विभाग की तरफ से आप उपलब्ध करवा रहे हैं, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी शुरुआत, सर्वे का अभी शुरुआत हुआ है, अभी ये एक वर्ष तक चलेगा और किसी भी रैयत को, जमीन के मालिक को अभी 3-3 महीना में ये मौका मिलेगा कि वो उसमें सुधार के लिए किसी तरह का कोई शिकायत है तो उसको आपत्ति वो कर सकता है। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत है। अभी तो आपत्ति का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कि जनता को किस तरह राहत देना है, इस पर काम चल रहा है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, लोग पैनिक हो जा रहे हैं। नहीं, किसी तरह का कोई आशंका और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया है कि एक एक जमीन मालिक के साथ राजस्व मंत्री उसके साथ है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18।
पटना। बढ़ते अगली खबर की ओर, भोजपुर के तत्कालीन खनन निरीक्षक रंजीत कुमार पर अपराध इकाई ने शिकंजा कसा है। रंजीत कुमार के खिलाफ जांच में आर्थिक अपराध इकाई को अकूत संपत्ति मिली है, जिसे लेकर ईओयू थाने में केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। चार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले कई धन कुबेर अफसरों के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों ने कार्रवाई की है, चाहे वो आर्थिक अपराध इकाई हो, चाहे निगरानी विभाग हो या फिर विशेष निगरानी विभाग। और इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, खनन विभाग के तत्कालीन निरीक्षक रंजीत कुमार का। दरअसल रंजीत कुमार के खिलाफ बालू के अवैध खनन से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ छापेमारी की थी, और अब आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनके खिलाफ अपने ही थाने में, जो रंजीत कुमार तत्कालीन खनन निरीक्षक भोजपुर थे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर लिया है और विभिन्न धाराओं में यह FIR दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान रंजीत कुमार के पास से कई चीज़ें मिली थी, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें आर्थिक अपराध इकाई को हासिल हुई थी उसमें धनबाद में उनके द्वारा दो फ्लैट बुक कराने के कागजात मिले हैं, बीमा पॉलिसी से संबंधित कागजात मिले हैं, मधुबनी में ज़मीन के कागजात मिले हैं, धनबाद में भी ज़मीन के कागजात मिले हैं, LIC का बॉन्ड पेपर से जुड़ा हुआ दो कागजात रिकवर किया गया है, गाड़ी से जुड़े हुए कागजात बरामद किए गए हैं, मोटरसाइकिल का कागजात भी बरामद किया गया है, ज्वेलरी भी रिकवर की गई। हालांकि ज्वेलरी कितनी रिकवर की गई ये नहीं बताया गया है। आपराधिकारी जिसने FIR लॉन्च किया है रंजीत कुमार तत्कालीन निरीक्षक भोजपुर के खिलाफ, वो आगे किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी चीज़ें सामने आती हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच